नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता भागलपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने इस वर्ष के अंत तक तमाम भूमिहीनों और गरीबों को 3 से 5 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराते हुए तमाम सुविधाओं के साथ बसाने की बात कही है। राजस्व मंत्री ने कहा कि बिजली, पानी और सड़क से लैस कर मल्टी स्टोरेज भवन बनाकर बसाने की तैयारी बिहार सरकार द्वारा की जा रही है। वहीं भागलपुर के सर्किट हाउस में जिले के तमाम सर्किल ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए राजस्व व भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने साफ शब्दों में कहा कि जो अधिकारी अच्छा काम करेंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा और जो अपने परफॉर्मेंस में पिछड़े रहेंगे उन्हें दंडित भी किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार की जनता दरबार में 3 माह पहले 70% मामले जमीन विवाद के थे, जो अब कम होकर 45% रह गए हैं और सरकार ने मुख्यालय स्तर पर इसके मॉनिटरिंग की व्यवस्था की है। साथ ही कहा कि दाखिल खारिज की भी मॉनिटरिंग की जा रही है और भूमि सुधार को लेकर कई एक्ट में परिवर्तन कर रजिस्ट्रेशन एक्ट में बदलाव किया गया है। इसके अलावा राजस्व की बढ़ोतरी के लिए DCLR को BLDR एक्ट के पावर भी देने की बात कही। देखिए, वो तो ऑब्जर्वेशन पूरे बिहार का हम लोग कर रहे हैं और 2 महीना तो हमने ऑब्जर्वेशन ही किया है। उसके बाद कुछ कुछ हम लोगों ने एक्शन लिया है, कुछ नियम कायदे जो पहले से बने हुए हैं उनके अनुपालन के लिए हम लोगों ने मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया है और जो नई चीज़ें हैं उसको हम इंट्रोड्यूस करके हमारी कोशिश यह है कि आम आदमी की जो ज़मीन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उसका समाधान आसानी से हो। इसके पहले 3 महीना पहले जो मुख्यमंत्री के मतलब जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम है उसमें जितने केसेज आते थे लगभग 70% केसेज सिर्फ हमारे विभाग के थे, राजस्व एवं भूमि सुधार। भागलपुर जिले के गोराडी प्रखंड अंतर्गत शालपुर पंचायत के कासिर गांव में शहीद जगदेव प्रसाद का जन्म शताब्दी समारोह मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता, विशिष्ट अतिथि पूर्व सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, नाथनगर विधायक अली अशरफ सिद्दीकी और भूदेव चौधरी शामिल हुए। इस दौरान गोराडी प्रखंड के जनप्रतिनिधियों ने मंत्री के समक्ष अपनी कई मांग रखी, जबकि कई जनप्रतिनिधि द्वारा प्रभारी अंचलाधिकारी के विरुद्ध भी आवेदन देकर कार्यवाही की मांग मंत्री से की गई। इस दौरान मंत्री समेत कई अतिथियों ने लोगों से शहीद जगदेव प्रसाद को नमन करते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया। और इससे सीख लेने की बात कही। भागलपुर जिला के राजस्व पदाधिकारियों का डिफरेंट लेवल के ADM से लेकर और रेवेन्यू अफसर तक के अंचलाधिकारी तक की बैठक हुई। बैठक में यहाँ कार्यों की समीक्षा की गई, उनके प्रगति रिपोर्ट लिए गए। वैसे प्रतिदिन हेडक्वार्टर में हमने व्यवस्था की है कि यहाँ के CO, यहाँ के जो DCLR हैं उनका जो कार्य है वो कितना निष्पादित हुआ इसकी मॉनिटरिंग हो रही है और ये मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 2 महीने में काफ़ी तेज़ी पकड़ा है और मैं समझता हूँ कि 2 महीने के अंदर वो एक्ट पार पहुँच जाएंगे। तो ऐसी स्थिति के को देखकर मतलब पेंडेंसी को देख के, जो लंबित कार्य है उसको देखकर अधिकारों में का बंटवारा भी किया गया था। जन वितरण प्रणाली दुकानदार के द्वारा मनमानी का सिलसिला लगातार जारी है। इसको लेकर अक्सर लाभुकों द्वारा कम अनाज मिलने की शिकायत भी सामने आती रहती है, लेकिन बावजूद इसके राशन डीलर की मनमानी कम नहीं हो रही है। ताज़ा मामला नवगछिया का है, जहां रसलपुर वार्ड नंबर 7 के राशन डीलर चंद्रदेव यादव द्वारा कम अनाज देने और मनमानी के विरोध में लाभुकों एवं ग्रामीणों ने अनुमंडल कार्यालय में आवेदन देकर शिकायत की। दरअसल ग्रामीणों ने जन वितरण प्रणाली दुकानदार चंद्रदेव यादव पर राशन वितरण में मनमानी करने, कम राशन देने और लाभुकों को रसीद नहीं देने का आरोप SDO को आवेदन देकर लगाया है।
इस दौरान लोगों ने कहा कि उन लोगों को डीलर कोटे से कम चावल और गेहूं देते हैं और इस पर कुछ भी बोलने पर बदसलूकी भी करते हैं। साथ ही लाभुकों ने कहा कि उन लोगों को 2 किलो कम चावल और गेहूं दिया गया और इस पर सवाल पूछने पर चंद्रदेव यादव ने कहा कि 2 किलो अनाज काट कर वितरण करने का आदेश MO द्वारा प्राप्त हुआ है। वहीं इससे आक्रोशित लोगों ने जन वितरण प्रणाली दुकानदार चंद्रदेव यादव के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग SDO और जिले के वरीय अधिकारियों से की। साथ ही डीलर के खिलाफ कई सवाल खड़े करते हुए नवंबर दिसंबर माह के अनाज वितरण को लेकर गंभीर आरोप भी लगाए गए। इसमें क्या किया है, दिसंबर महीना का जो राशन दे रहा था जन वितरण प्रणाली दुकान पे, तो सभी के जितने राशन कार्ड में धारी हैं 5 यूनिट पर आदमी लाभुक को दिया जाता है, उसमें 2 किलो सब मिला के काटा जाता है। तो इसमें काटने का कोई अथॉरिटी डीलर के पास नहीं है, इसी का शिकायत हम लोग लेके आए हुए हैं। हम सवेरे SDO साहब से मेरी बात हुई थी तो वो बोले कि हम MO को भेज रहे हैं। उसका बोला कि चोर चहार सब बोले ना, हमको कहा कि लिख लो यहाँ से जल्दी, भागो यहाँ से, लिख लो जल्दी, राशन भी कम देता है। कौन? चंद्रदेव यादव। कौन है ये? डीलर है। तो आपको कितना अनाज मिलता है? 9 किलो। आपका परिवार में? हाँ, बेटा भी मनमानी करता है, हमको 4 किलो राशन देता है। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ धाम में मौनी अमावस्या को लेकर मिथिलांचल के लाखों कांवरियों ने उत्तरवाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। धार्मिक मान्यता के अनुसार मिथिलांचल के कांवरियों को पार्वती कुल का वंशज माना जाता है और इसको लेकर उन लोगों के द्वारा बाबा भोलेनाथ का तिलकोत्सव मनाने की परंपरा चली आ रही है। इसी को लेकर मौनी अमावस्या पर शनिवार को अजगैवीनाथ धाम के उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर जल भरने श्रद्धालु सुल्तानगंज पहुंचे। बता दें कि अजगैवीनाथ धाम से उत्तरवाहिनी गंगा जल लेकर कांवरिया पैदल देवघर बैद्यनाथ धाम जाते हैं, जहां वसंत पंचमी सरस्वती पूजा के दिन भोलेनाथ को जल अर्पण कर तिलक उत्सव मनाते हैं। वहीं इस दौरान अजगैवीनाथ धाम पहुंचे मिथिलांचल के कांवरियों ने उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर देवघर के लिए अपनी पैदल यात्रा शुरू की। इधर मौनी अमावस्या को लेकर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की काफी भीड़ सुल्तानगंज समेत तमाम गंगा तटों पर उमड़ी रही। इसको लेकर सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष प्रिय रंजन काफी मुस्तैद दिखे, जबकि नगर परिषद और प्रशासनिक स्तर से गंगा घाट सहित शहर के अन्य जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ साफ सफाई के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। आज जो जल उठाएंगे यहाँ से, ये जाकर के जो है आपको श्री पंचमी जो सरस्वती पूजा होता है, अभी जो काल चल रहा है, कल से फिर जाकर के भगवती का जाकर के जो है नवरात्र स्टार्ट हो जाए, और इसमें जाकर के भगवती का सरस्वती रूप में पूजा, तो महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती जब तीनों एकत्रित हुई हैं तब दुर्गा शब्द की उत्पत्ति हुई है वहाँ से, तो उसी में महासरस्वती जो हैं उनका जाकर के पूजन का समय है। आज हम एक ऐसे अनूठे शिव भक्त से आपको मिलाने जा रहे हैं जो पिछले 12 वर्षों से भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अनोखे वेशभूषा में मौनी अमावस्या के दिन भागलपुर सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट पर पहुंचते हैं और आस्था की डुबकी लगाने के बाद गंगा जल भर कर कांवर कंधे पर लेकर 105 किलोमीटर की लंबी यात्रा पैदल तय करते हैं। बताया जा रहा है कि यह शिव भक्त अपने घर सीतामढ़ी से 400 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर सुल्तान के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट पर पहुंचते हैं, जिसके बाद गंगा स्नान कर देवघर बाबा धाम की पैदल यात्रा पर रवाना होते हैं। बता दें कि सीतामढ़ी के रहने वाले टुनटुन दास 12 साल से अनोखा रूप धारण कर भगवान भोले की भक्ति में लीन है, जो चेहरे और माथे पर मिट्टी का लेप लगाकर डमरू और शंख के साथ चलते हैं और इन्होंने अब तक देश के अलग अलग कई ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन कर लिया है। हम मिथिला नगरी सीतामढ़ी से आए हैं सोनवर्षा से। इस तरह का रूप लेकर क्यों? हाँ, इस तरह का रूप लेकर के कहते ना, हे दाता मुझे कुछ नहीं आता, बुद्धि दो, ज्ञान दो, भक्ति का भंडार दो, बुद्धि नहीं है इसलिए ये रूप बना करके भोले बाबा को जा रहे हैं बुद्धि और ज्ञान मांगने के लिए और मेला लगाने के लिए, क्योंकि भोले बाबा का मेला लगाने के लिए भक्त को खुश करने के लिए लगाए हैं। भोले पर कितनी आस्था है? कितनी आस्था है? हाँ, पूरी तरह से 105% 110% भोले पे आस्था है, यहाँ तक कि दर्शन भी देते हैं हमारे भोलेनाथ हमें। कब से इस तरह से जा रहे हैं? आफ्टर 10 ईयर्स हो गया। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। नमस्कार, सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता, हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है, पर कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं।
भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है, और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रखिए, खुशहाल होगा शहर और गांव जब जड़ से मिटेगा हाथी पांव। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। नाम शंभु पासवान, लोअर नेपाल आई हॉस्पिटल में कार्यरत टेक्निकल स्टाफ हूँ, और मुझे 14 साल से करीब डायबिटीज था, और मैंने इंग्लिश दवा, अंग्रेजी दवा नहीं खाया था कभी, और आयुर्वेदिक दवाइयों पर अपना ये चला रहा था। फिर भी भात खाने से, खाना पड़ने से, कोई चीज़ खाने से मेरा ठीक नहीं हो रहा था, बढ़ जाता था लेवल। और मैंने अढ़ाई महीने पहले, करीब अढ़ाई पौने तीन महीने पहले YouTube पर देखा, उसमें विज्ञापन में, तो और लोगों का प्रतिक्रिया देखा, जिसको ठीक हो गया था उसको प्रतिक्रिया में देखा, तो लोग बोलते थे ठीक हो गया था, तो मेरे मन में भी आया कि मैं, हो सकता है चलते हैं हो गया जाए, मेरा भी ठीक हो जाए, हैं, इस आशा से मैंने इनके पास यहाँ आया है ना, और मैंने इसे इलाज कराना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बोले, जिस तरीका से खाने पीने का वैसे ही करके, पूरा पूरी ध्यान रख करके ही किया, और समय समय पर पीपी का जांच, ब्लड शुगर का जांच कराते गया। अब इलाज के कुछ दिन के बाद ही धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया दवाई का, ये डायबिटीज भी ठीक हो सकता है। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज अढ़ाई महीने के बाद मैं डॉक्टर से अभी रिपोर्ट लेकर आया है, मेरा खाना खाने के बाद पीपी है 135, और इसके बाद एक हफ्ता पहले 121 था, और मैंने दो कटोरा भात भी खाया, और भात का मात्रा बढ़ाते हुए भी मेरा पीपी नॉर्मल रेंज से नीचे ही है। मैं मोहम्मद नूर आलम, मैं दामोदरपुर मुजफ्फरपुर से हूँ। मैं करीब 5 साल से डायबिटीज का शिकार था, जो मैं डॉक्टर साहब को पता चल बढ़िया आयुर्वेद से इलाज करते हैं, और इनका कहना था कि मैं सदा के लिए ठीक कर दूंगा। तो हम लोग नौशाद भाई के माध्यम यहाँ आए, जो हमें काफ़ी लाभ हुआ, 2.5-3 महीने में मेरा कंप्लीट हो गया, और मैं अभी आया हूँ तो सारा चीज़ खाकर, मीट, खसी मीट, मटन भी खाकर चेक किया है, तो अब मेरा डायबिटीज़ 146 है, अब मैं बिल्कुल कंप्लीट हूँ, हर चीज़ मैं खा रहा हूँ। मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस करता हूँ, मैं अभी बहुत खुश हूँ। पहले मैं काम करता था तो बहुत वीकनेस सा महसूस होता था, अब उस तरह का वीकनेस हमको नहीं लगता है, अब बेहिचक हम कोई भी काम कर लेते हैं। भागलपुर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से आम सभा का आयोजन राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी की अध्यक्षता में किया गया। सभा को संबोधित करते हुए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी ने कहा कि कुछ समुदाय के लोग 8-10-12 बच्चे पैदा करके देश के संसाधनों पर और देश के लोकतंत्र पर कब्जा करने की नीयत से जो कुछ भी कर रहे हैं, यह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि 2 दिन पूर्व भारत ने चीन को जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ दिया है, और अब भारत संख्या के मामले में विश्व में नंबर 1 बन गया है, जो देश के लिए बड़ी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इसको देखते हुए देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना आवश्यक है, जो सभी जाति, धर्म और भाषा से अलग होकर सभी लोगों पर लागू हो। साथ ही कहा कि जो भी इस कानून को नहीं माने, उनकी सारी सरकारी सुविधाएं समाप्त करने और सरकारी सब्सिडी का लाभ नहीं देने के साथ ऐसे लोगों को मताधिकार से भी वंचित किया जाना चाहिए। इसके अलावा भी कई वक्ताओं ने जनसंख्या नियंत्रण पर कानून को लेकर अपने विचार साझा किए। वही जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से लोगों को जागरूक करने के लिए 30 मार्च तक पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान चलाए जाने का निर्णय लिया गया, जिससे देशवासियों को जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जागरूक किया जा सके। ये सभा है जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर,
आप दो दिन पूर्व भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व में नंबर एक बन गया है। किस मामले में? आबादी के मामले में। ऐसा देश जिसका विभाजन जनसांख्यिकीय असंतुलन के कारण हुआ, आज जनसांख्यिकीय असंतुलन के कारण और जनसंख्या विस्फोट के कारण उन्हें विभाजन की स्थिति न बने, विश्व का मात्र 2.4% भूभाग, 18% आबादी का भार हम भारत की भूमि पर ढो रहे हैं, और ये जो 8-8, 10-10 बच्चे, 12-12 बच्चे पैदा करके देश के संसाधनों पर, देश के लोकतंत्र पर कब्जा करने की नीयत से जो कुछ भी हो रहा है, वो आप करें या मैं, जो भी, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, इसके लिए देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। भागलपुर सुल्तानगंज के तिलकपुर पंचायत में लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू, आउटर तिलकपुर मुखिया अमित कुमार के द्वारा हरी झंडी दिखाकर पंचायत में साफ सफाई अभियान की शुरुआत शनिवार को की गई। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी और तिलकपुर मुखिया ने कहा कि बिहार सरकार के द्वारा लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत पंचायत में साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत कर दी गई है। वीडियो ने बताया कि पंचायत के सभी वार्ड के वासियों को हरा एवं ब्लू डस्टबिन दिया गया है, जिसमें अलग अलग सूखा और गीला कचरा रखने की बात कही गई है। वहीं तिलकपुर पंचायत के सभी वार्ड में साफ सफाई अभियान के लिए 35 कर्मियों की व्यवस्था की गई है, जबकि प्रत्येक वार्ड में 2-2 सफाई कर्मी को लगाया गया है। साथ ही इस दौरान सभी साफ सफाई कर्मियों को पंचायत को स्वच्छ रखने की बात कही गई। स्वच्छता अभियान के दौरान प्रखंड समन्वयक अमिता सिन्हा, जिला सलाहकार रोहित कुमार, उप मुखिया सत्यम कुमार, प्रमुख प्रतिनिधि रमा अफ्तर कुमार, स्वच्छता रक्षक समेत कई कर्मी मौजूद थे। बिहार स्टेट टीम चैंपियनशिप 2022-23 का आयोजन भागलपुर जिला शतरंज एसोसिएशन की ओर से किया गया। इस दौरान राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में कई खिलाड़ियों ने अपने खेल का प्रदर्शन किया, जिसमें भागलपुर सांसद अजय मंडल, एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह, समाजसेवी विजय यादव समेत काफी संख्या में खिलाड़ी और कार्यकर्ता मौजूद थे। दरअसल बिहार स्टेट चेस प्रतियोगिता में सफल खिलाड़ियों को चेन्नई में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा, और ये विजेता खिलाड़ी बिहार का प्रतिनिधित्व चेन्नई में आयोजित शतरंज प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। वहीं इसको लेकर शतरंज एसोसिएशन भागलपुर के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि वर्षों से यह प्रतियोगिता भागलपुर में बंद थी, जिसे अब नियमित रूप से कराया जाएगा। इधर भागलपुर सांसद अजय मंडल ने उम्मीद व्यक्त करते हुए कहा कि शतरंज में भागलपुर के खिलाड़ी अपने जिला और राज्य का नाम रोशन करेंगे, जिससे इस खेल को और बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा कार्यक्रम के आयोजक समाजसेवी विजय यादव ने कहा कि उनका निरंतर प्रयास रहेगा कि यह प्रतियोगिता चलती रहे, जिससे खिलाड़ियों को अपना जौहर दिखाने का मौका मिलता रहे। का महाकुंभ है और पूरे बिहार से शतरंज के खिलाड़ी यहाँ आए हुए हैं। एक नई उत्साह, एक नई ऊर्जा इनमें देख रही है, मुरझाए हुए चेहरा खिल उठे हैं। खास करके यहाँ जो शतरंज के अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे, जिन्होंने पुनर्गठन किया शतरंज में एक खेल का महासंघ का, और उसे हमें अध्यक्ष बनाया, तो इन सारे खिलाड़ियों के ऊर्जा देखते ही बनती है। और जो बिहार के कोने कोने से यहाँ आए हैं आज शतरंज, आज भागलपुर में चेस प्रतियोगिता, चेस के खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के रूप में उनको लाया गया है यहाँ। चेस प्रतियोगिताओं में, शतरंज प्रतियोगिताओं में हमारे जिले के एक विख्यात डॉक्टर जो हमारे बगल में हैं, अजय कुमार सिंह जी, इनका बहुत बड़ा योगदान है कि ऐसे प्रतियोगिता जो कि मानसिक विकास के लिए होता है, उस प्रतियोगिता का डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा निर्णय लिए। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि ये जो शतरंज प्रतियोगिता हो रही है, ये राजस्तरीय है, और राजस्तरीय ये भागलपुर को मेजबानी मिला है। ये एक गर्व की बात है पूरे भागलपुर वासियों के लिए, और साथ साथ जो इनका ये जो एसोसिएशन बना है भागलपुर में 10 साल बाद, उनके अध्यक्ष हमारे डॉक्टर अजय कुमार सर हैं, और उनकी अगुवाई में ये सारे प्रतियोगिता हो रहे हैं। तो ये एक गर्व की बात है कि ऐसे डॉक्टर जो कि हमेशा समाज के बीच बने रहते हैं, वैसे डॉक्टरों को इनका मेजबानी करने को मिला है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।